Berserker. When you see me, you better run. Playing duck, duck, goose with my gun. When you see me, you better run. सो है गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। और आज फिर से वीडियो बनाने निकले अपने डोमिनार पे। एंड गाइस, दिस इज़ डोमिनार 400 VS6। जिन लोगों ने अभी तक पहले वीडियो नहीं देखी है तो उन लोगों को शायद नहीं पता होगा। तो मैंने ये बाइक ली है ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। एंड इवन अपने 3 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, 300 के पूरे हो चुके हैं, तो उस खुशी में मैंने ये बाइक ली है। एंड ये बाइक मैंने क्यों चूज़ की, उसका मैं रीज़न आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे मेरे पास, बट व्हाई आई चूज डोमिनार ओवर KTM 390 एडवेंचर, ये भी कह सकते हो। और इस रेंज में बस यही सब चीज़ें हैं। अगर मैं देखो एडवेंचर इसलिए मैंने बोला क्योंकि बेसिकली मैंने डोमिनार फॉर टूरिंग पर्पज़ लिया है। क्योंकि कहीं भी अगर लॉन्ग राइड हो या फिर कुछ भी हो, अगर 1000 किलोमीटर का भी राइड होता है, सो R15 इज़ नॉट कम्फर्टेबल फॉर दैट। एंड R15 इज़ नॉट मेड फॉर लॉन्ग राइड्स। सो इसलिए हमें बहुत सोचना है, बहुत कुछ देखना है, उसके बाद ही कोई भी गाड़ी सेलेक्ट करना है। तो इस वजह से मैंने ये चूज़ किया है। और अभी मैं आपको इस बाइक को कंपेयर करूँगा विथ KTM 390 एडवेंचर। तो चलिए सीधा लोकेशन पे पहुँचते हैं जहाँ पे लगी हुई है अपनी KTM 390 एडवेंचर। तो जल्दी से कंपैरिजन वीडियो बनाएंगे एक छोटी सी कि क्या इसमें बेनिफिट्स है और क्या इसमें लॉस है, मतलब लेने में इस बाइक को एज कंपेरेबल टू KTM 390 एडवेंचर। ऑल्दो सबसे पहली पॉइंट तो है कि इस बाइक की जो प्राइस है वो बहुत ही नॉमिनल है अकॉर्डिंग टू दैट। मतलब 1,20,000 का डिफरेंस है दोनों के प्राइस में। 1,20,000 इज़ अ ह्यूज अमाउंट। इस बीच एक और बाइक आ सकती है, एक स्कूटी आ सकती है। सो अब जल्दी से पहुंचते हैं और उसके बाद सामने में अच्छे से बताएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है दोनों बाइक में और कौन बेटर है ज़्यादा। सो जल्दी से पहले पहुंचते हैं वहाँ, और तब तक आप लोग कुछ 360 शॉट्स एंजॉय कीजिए और सीधा वहीं मिलते हैं। Crazy berserker, I kill it, it's murder. Go crazy berserker, I kill it, it's murder. Go crazy berserker. Show them. दिस इज़ आवर लोकेशन जहाँ पे हम लोग इस दोनों बाइक की कंपैरिजन करेंगे। और वहाँ पे आज़म आ चुका है, बस बस जल्दी से पहुँचने वाले हम लोग। और ये रही लगी हुई ड्यूक 390, सॉरी इट्स KTM 390 एडवेंचर। सो फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुँच चुके हैं और ये पीछे खड़ी है अपनी डोमिनार, और इधर है आज़म, फोटोज़ क्लिक हो रहे हैं, और वो लगी है पीछे एडवेंचर 390। तो चलिए अब जल्दी से दोनों की कंपैरिजन करते हैं और दिखाते हैं दोनों में क्या डिफरेंसेस है और कौन सा ज़्यादा अच्छा है उस प्राइस में, कौन सा बेस्ट है, कौन हमें लेनी चाहिए, कौन अपने बजट की है, और कौन सी बाइक है जिसे हम लोग ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं, ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं और उसके बाद बताते हैं दोनों की स्पेसिफिकेशन पहले। तो चलिए पहले हम बात करते हैं अपनी डोमिनार BS6 400 डोमिनार की। तो इस बाइक की जो इंजन है वो 373 cc की इंजन है, और इस बाइक की इंजन टाइप है DOHC इंजन, 4-wheel इंजन है, लिक्विड कूल, ट्रिपल स्पार्क प्लग, FI इंजन है इसकी। और नंबर ऑफ़ सिलेंडर की बात की जाती है तो सिंगल सिलेंडर बाइक है ये। और पावर की बात की जाए तो इस बाइक में है 40 PS एट 8,800 RPM। एंड बात करते अगर मैक्स टॉर्क की तो 35 न्यूटन मीटर टॉर्क है इसमें एट 6,500 RPM। बोथ आर हैविंग फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रियर डिस्क ब्रेक, दोनों डुअल चैनल ABS है। और इसकी फ्यूल कैपेसिटी है 13 लीटर्स। तो अब आते हैं ऑन KTM 390 एडवेंचर। तो दिस बाइक ऑल्सो हैव 373 cc इंजन,
और इस बाइक की भी सिंगल सिलेंडर इंजन है, फोर स्ट्रोक इंजन है, DOSC इंजन सेम टाइप है दोनों की। और इसकी जो मैक्स पावर है वो डोमिनार से 3.5 PS ज़्यादा है, इट मीन्स इट हैव 43.5 PS एट 9000 RPM। और मैक्स टॉर्क की बात किया जाए तो वो 35 Nm टॉर्क है और इसकी 37 है एट 7000 RPM। दोनों की डुअल चैनल ABS है, बोथ बाइक्स हैविंग दैट। एंड बात की जाए अब फ्यूल कैपेसिटी की तो 390 एडवेंचर में जो फ्यूल कैपेसिटी है वो 14.5 लीटर की है। और ये मोस्टली मतलब कि अगर देखा जाए तो जो लोग टूर है सिर्फ ज़्यादा टूर करते हैं वो लोग ये प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये बेसिकली उसी बेसिस पे बनाई हुई गई है। ये बाइक शहर में चलाने लायक नहीं है। मैं इसकी एक वॉक अराउंड दे रहा हूँ और भैया ने पूरी जाना कि गार्ड्स और सैडल स्ट्रेप वगैरह लगा रखे है। ये बाइक में बहुत ज़्यादा ही मॉड्स लोडेड है, तो अगर काउंट किया जाए तो 40,000 का सिर्फ इसमें मॉड्स लोडेड है, तो वो बाद में कभी उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाएगी। तो ये रही पूरी बाइक 390 एडवेंचर। लुक एट दिस, इसकी जो कंसोल है TFT स्क्रीन, ये बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस वजह से इस बाइक की खूबसूरती और भी बढ़ा दी जाती है। एंड भैया ने यहाँ पे फ़ोन स्टैंड लगाया है जिसके वजह से ये बाइक पे यहाँ पे फ़ोन माउंट करके हम लोग GPS नेविगेशन करके इजली जा सकते हैं कहीं भी। की कलर जो है बिल्कुल ऑरेंज, तो थोड़ा सा ये जो ऑरेंज है वो बाकी KTM के बाइक से डिफरेंस है इस ऑरेंज का कलर। तो मैंने बहुत ही सोच के लिया कि ग्रीन मुझे कुछ खास पसंद नहीं है और रेड तो फिर बहुत ही ज़्यादा वो आई कैचिंग हो जाता है। और इसमें मॉडिफिकेशन भी मैं चाहूँगा तो बहुत इजीली कर लूँगा कुछ भी, क्योंकि ब्लैक, ऑल दो यू ऑल नो दैट कि ब्लैक मेरी फेवरेट है, मेरी सारी बाइक्स ब्लैक है। तो बस ये है नॉर्मल डिफरेंसेस दोनों में। और प्राइस कंपैरिजन की बात की जाए तो ये ऑन रोड प्राइस है इसकी पटना में 2.41 लाख और इसकी है 3.60 लाख, तो लगभग 1,20,000 का डिफरेंस है दोनों में। तो चॉइस इज़ योर्स, जो आप लोग अफोर्ड कर सको। अलॉयज है उसमें, कोई डायमंड कट नहीं है, नॉर्मल अलॉयज दी हुई है। बट इसकी जो टायर है वो प्रॉपर ऑफ रोड टायर दी हुई है, इट कैन बी फॉर बोथ यूज़, ऑफ रोड ऑन रोड दोनों पे आप यूज़ कर सकते हो। बट डोमिनार की है वो बिल्कुल एक रेडियल टायर है, लुक एट दैट। तो यही टायर अपने RC में भी लगी हुई है, सेम टायर है वो। और अब बात करते हैं इसकी बैकलाइट्स की, तो इसकी बैकलाइट है बिल्कुल छोटी सी और दोनों बहुत सिमिलर सी दिखती है, बट ये बहुत छोटी सी है। और मैं अब दिखाता हूँ डोमिनार की बैकलाइट, तो ये रही, ये काफ़ी बड़ी है बट लुक वाइज दोनों सिमिलर ही है। और अब आपको सुनाते हैं इन दोनों बाइक्स की एग्जॉस्ट नोट। तो फर्स्ट पहले हम लोग देखते हैं डोमिनार BS6 की अपनी, तो नाउ इट्स टाइम फॉर एग्जॉस्ट नोट। तो ये डबल बैफल एग्जॉस्ट लगी हुई है इसमें, आप लोग सुन रहे हैं, अगर ईयरफोन लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, थोड़ी रेप करके सुनाता हूँ मैं। और ये रहे इसके डायमंड कट अलॉयज, तो अभी बाइक की पहली सर्विस हुई नहीं है तो इसे टॉप एंड हम नहीं ले जा रहे हैं, इसे बंद कर देते तो शायद आवाज़ आप लोगों को क्लियर आएगी। तो एक्चुअली देखी जाए तो दिस बाइक इज़ फॉर एडवेंचर के पर्पज़ से ही बनी हुई है। आप इसे सिटी में चला सकते हो बट इट विल नॉट गिव यू कम्फर्ट, बट ये सिटी में भी चला सकते हो और इससे लॉन्ग राइड्स भी कर सकते हैं। बहुत सारे लॉन्ग राइड्स डोमिनार वाले लोग ने किया है, डोमिनार राइडर्स ने बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग राइड्स किए। और इसकी जो है मतलब अगर आप शहर में चलाओगे, अगर गैपिंग करनी है तो उसमें ये इजीली कर सकते हो, बट इसमें ऑफ रोड टायर्स लगे हैं तो इसमें अगर आप लोग कहीं गैप और कहीं पे क्लोज कॉल्स लेने की कोशिश करेंगे तो शायद ये प्रॉब्लम कर सकती है। और इन दोनों की कंसोल की बात की जाए तो उसकी तो मैंने दिखा दी, इसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये मैंने कल स्विच ऑन किया, यहाँ पे न्यूट्रल गियर के इंडिकेटर, यहाँ पे भी साइड स्टैंड है, गियर इंडिकेटर यहाँ और यहाँ दोनों जगह बताती है, टाइम यहाँ भी बता रही है, टाइम यहाँ भी बता रही है, ओडोमीटर यहाँ भी दिख रही है, और यहाँ पे जो भी स्पीड होगा, करंट स्पीड, फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ दिखा रही है। और इसके सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगे इस बाइक की, तो वो है इसका मिरर। ये पूरी एरोडायनामिक्स के पर्पस से बनाई गई है, क्योंकि ये इस बाइक की वेट काफ़ी ज़्यादा है तो ज़्यादा से ज़्यादा एरोडायनामिक्स करने की कोशिश की गई है। अप्रॉक्स 180 kg ड्राइव वेट है इस बाइक का, और फ्यूल डालने के बाद 190, और अगर इस पर सैडल स्टे एंड वगैरह लगा देंगे मॉड्स तो बाइक की वेट 200 kg चली जाती है। तो यही था आज का छोटा सा वीडियो, और दोनों ही एक तरह से देखी जाए तो अफोर्डेबल है, बट ये ज़्यादा चीपर है। और उसकी एग्जॉस्ट नोट आपको सुनाते हैं, अभी इसकी एग्जॉस्ट नोट सुनो आप लोग। ये देखो, ये सारे जना के लगे हुए हैं,
और ये आकरा की एग्जॉस्ट है और अब इसे करते हैं स्टार्ट। तो इसमें लगी हुई है आकरा की एग्जॉस्ट जो कंपनी की तरफ से फिटेड है और एग्जॉस्ट नंबर सुनते हैं इसकी। तो अभी आप लोगों ने सुना एग्जॉस्ट उसकी ज़्यादा बेसफुल है बट इसकी थोड़े लाउड है और स्ट्रेच मतलब कि इसकी साउंड थोड़ी सूदिंग है और इसकी इंजन जो वो प्रॉपर ड्यूक 390 के पे ही बनी हुई है बट इसमें जो ट्यूनिंग की हुई है वो थोड़ी अलग है और इसकी एग्जॉस्ट अलग है तो इस वजह से थोड़ी सी साउंड अलग आती है इसकी एज़ कंपेरेबल टू ड्यूक 390। तो यही था आज का छोटा सा वीडियो और एक छोटा सा चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये जो फॉग लैंप्स लगे हुए इसमें, तो ये फॉग लैंप्स इसमें लगे हुए और मेरे में भी फॉग लैंप्स लगे हुए, तो अभी बस वो नॉर्मल मोड पे है, जस्ट लाइक हाईवे पे चल रहा है, अगर फॉग लैंप नहीं यूज़ करना है तो जस्ट टू इंडिकेट कि सामने से बाइक आ रही है, तो इस मोड पे अभी, और फॉग लैंप वाली वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि बहुत सारे लॉन्ग राइड्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली है। तो अंटिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर और मिलते हैं फिर अच्छे से किसी व्लॉग में।